हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम दरवाजे को पॉलिश करने वाले हैं और आप देख सकते हो हमारा जो दरवाजा है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और इस पर जो लगे हुआ पेंट है वो कम से कम 5 से 6 साल इसको हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बेकार सा लग रहा है ये दरवाज़ा, इसको हम न्यू लुक देने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो हमने इस पर जो है एक्रेलिक पुट्टी लगाए हुए हैं, जितने भी हमारे दरवाजे पे क्रैक्स थे उसको भरने के लिए आप देख सकते हो। तो चलिए हम इसको सैंडिंग पेपर से घिसाई कर लेते हैं इस पुट्टी को, ताकि जो है हम जो इस पर पेंट लगाएं उसका जो फिनिश है वो काफ़ी स्मूथली आए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसे सैंडिंग पेपर से अच्छे से घिस लेते हैं। जितने भी हमारे दरवाजे पे पपड़ी थे, पेंट जो निकल रहे थे, उसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारे पास ये जो पेंट है गोल्डन ब्राउन पेंट, उसको हम मिक्सअप कर लेंगे अपने दरवाजे पे लगाने के लिए। तो आप देख सकते हो हमारे पास बर्जर पेंट का गोल्डन ब्राउन पेंट है, इसको हम अपने दरवाजे पे लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले काफ़ी अच्छे से मिक्स करना होगा इसको। तो फ्रेंड्स, मिक्स हो चुका है और उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा तारपीन ऑयल डाल देंगे। लगभग 1 लीटर में सब दोस्तों हम इस पर 100 से 150 ml तक ही तारपीन ऑयल डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा और ज़्यादा अगर मोटा भी होता है तो ब्रश आपका जो है ठीक से नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए हमें मीडियम डालना होगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपने ब्रश से। उसके बाद हम अपने दरवाजे हैं उस पर सीधे इसको अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा गोल्डन ब्राउन पेंट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है दरवाजे पे लगने के बाद। तो इसी तरह से दोस्तों हमें इसको ब्रश से लगाना होगा। तो चलिए हम इसको पूरा जो है दरवाजे को गोल्डन ब्राउन कलर लगा देते हैं। उसके बाद में दोस्तों इस पर हम रेशा भी बनाने वाले हैं, तो वीडियो में दोस्तों पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कर देना एक। तो हमारा जो दरवाज़ा है वो कम्प्लीटली पेंट हो चुका है और पेंट होने के बाद में आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इस पर हम अब रेशा बनाने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमको कम से कम 2 दिन इसको सूखने देना होगा अच्छे से। तो आप देख सकते हो हमारा जो दरवाज़ा है सूख चुका है और फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इस पर दोस्तों हम अभी रेशा बनाने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास आप देख सकते हो ये जो है तारपीन ऑयल है और ये जो है सूती का कपड़ा है और मास्किंग टेप है और एक 2-3 इंच वाला ब्रश है। तो आप देख सकते हो हमारा जो वॉलनट है दोस्तों उसको हम अपने डब्बे में डाल लेते हैं। इसी से हम रेशा बनाने वाले हैं, काफ़ी सिंपल मेथड है। तो दोस्तों उस पर हम थोड़ा सा तारपीन ऑयल डालेंगे, जो कि हमारा जो वॉलनट है वो काफ़ी लंबे समय तक चले और जल्दी सूखे ना। और ये जो हम अगर तारपीन ऑयल इस पर नहीं डालेंगे तो जो है हमारा जो कलर है वो थोड़ा सा मोटा आता है। तो आप देख सकते हो एशियन पेंट का वुड स्टेन हमारे पास है, तो इसी से हम रेशा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रश से सभी कोनों को अच्छे से भर लेंगे, उसके बाद में दोस्तों हम इस पर कपड़े से रेशा निकालेंगे।
फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा जो रेसा है अपने दरवाजे पर पूरा अच्छे तरीके से बन चुका है और ये दोस्तों सूख भी चुका है। तो हम इसको सुखाने के लिए 2-3 घंटे का समय दिए थे। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमारा रेसा। उसके बाद में इस पर दोस्तों हम जो है प्यू लगाएंगे। ये आप देख सकते हो बर्जर कंपनी का वुड कीपर 1K प्यू। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया चमक आएगा इसको लगाने से अपने दरवाजे पे। तो चलिए हम इसको डाल लेते हैं एक डब्बे में, उसके बाद सीधे हम इसको दोस्तों अपने दरवाजे पे अप्लाई करेंगे। इस पर हम किसी भी तरह का तारपीन ऑयल नहीं डालेंगे, सीधे अपने दरवाजे पे इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने जो हमारा जो प्यू है उसको लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो 2 कोट मार सकते हो, 3 कोट मार सकते हो, लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देना होगा आपको सीधे सीधे जैसे ही हमारा जो रेसा बना है उसी हिसाब से आपको पॉलिश करना होगा। और आपको कहीं पे भी मोटा प्यू को कभी नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि जो है अगर आप मोटा छोड़ते हो तो वो सेट हो जाता है, जो कि बहुत ही बेकार लगता है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्सअप कर करके ब्रश से मार रहे हैं। और अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से इसको पॉलिश कर सकते हो। तो आप देख सकते हो लगने के बाद में काफ़ी ज़्यादा इस पर चमक आ रहा है हमारा जो दरवाज़ा है उस पर, और बहुत ही अच्छा मजबूत रहता है प्यू लगाने से हमारा जो दरवाज़ा है, और उसका कलर जो है बहुत दिनों तक अच्छा चमक देता है और जल्दी डाउन नहीं होता दरवाजे का जो कलर है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो हमारा जो दरवाज़ा है, पहले जो हमारा दरवाज़ा था वो आप देख सकते थे, और अभी जो हमारा दरवाज़ा है पॉलिश होने के बाद में किस तरह से लग रहा है आप देख सकते हो। हमारा जो प्यू है वो भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपने दरवाजे पे जो है पॉलिश किए हैं, और इस पर हमने ज़्यादा कुछ और ऐड नहीं किया है। दोस्तों वैसे तो दरवाजे में बहुत सारे चीज़ जो है इसमें शाइनिंग देने के लिए लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल वीडियो बनाया हूँ जिससे कि आप देख सकते हो बिल्कुल ही नया लग रहा है हमारा दरवाज़ा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।